दोस्तों सावन का महीना और बारिश का मौसम और उस पर ये गर्मा गर्म कुरकुरे पनीर के पकौड़े, वाह मजा ही आ जाए। चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 250 ग्राम पनीर को बड़ी बड़ी क्यूब्स में कट करके इस तरीके से पानी में डुबो लीजिए। अब पानी को गिराने के बाद एक बड़े बाउल में इसे रख लीजिए। अब इसमें सारी सामग्री ऐड करेंगे तो सबसे पहले ऐड कीजिए नमक स्वादानुसार और रेड चिल्ली पाउडर। अब थोड़ा सा गर्म मसाला और टोमेटो सॉस लेंगे, टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब डालने के बाद सभी को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। सभी पनीर पे अच्छी तरीके से कोटिंग हो जानी चाहिए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके चलाएंगे पनीर के टुकड़े टूटने ना पाए। तो चलिए अब इसके ऊपर लगाइए मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण। दो भाग कॉर्नफ्लोर रहेगा तो एक भाग मैदा। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग करते हुए लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अब इसके ऊपर 2-4 बूंद पानी की छींटे डालिए ताकि एक कोटिंग और हो जाए। तो थोड़ा सा पानी की छींटे डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है आपको। चलिए अब फिर से आप इसमें उसी मिश्रण को लगाइए मैदे और कॉर्नफ्लोर का। पहले इसे मिला लीजिए थोड़ा। चलिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। इससे आपका ये जो पनीर पकौड़ा बनेगा ये बहुत ही क्रंची बनेगा और डिलीशियस भी लगेगा। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसन से वो स्वाद नहीं आएगा जितना अच्छा ये इससे लगेगा। कभी ट्राई करके देखिए। ये देखिए अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब इसे कवर करके रख दीजिए। ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो मिलते हैं आप 10 से 15 मिनट बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए 15 मिनट बाद इन पे अच्छी सी कोटिंग आ गई है मैदे और कॉर्नफ्लोर की। ये देख पा रहे हैं थोड़ा मोटा मोटा, इससे बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो चलिए अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए ऑयल हीट हो गया, थोड़ा सा डालकर चेक कर लेते हैं। ये देख पा रहे हैं अच्छे से हो रहा है। तो अब एक एक करके आप पकौड़ों को डालते जाइए। एक बार में 6 से 7 पीस ही डालिएगा, इतना डालिएगा कि ये तेल में डूबा हुआ रहे। ये देखिए फ्रेंड्स अब 1 या 2 मिनट बाद ही इसे चलाएंगे। ये देख पा रहे हैं तेल का अच्छा झाग आ रहा है। जब ये झाग थोड़ा कम हो जाए तब इसे पलटेंगे। देखिए झाग थोड़ा कम हो गया, पकौड़े थोड़े गोल्डन होने लगे हैं, इसे पलट देते हैं। ये देखिए आपका डिलीशियस गर्मा गर्म पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब इसे निकाल लीजिए और फटाफट किसी भी चटनी के साथ, तीखी या मीठी चटनी के साथ लगाकर इसे सर्व कीजिए। सावन का महीना आप सभी के जीवन में हरियाली लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।